गाइस आज हम सीखेंगे वेक्टर लिप्स बनाना, वो भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल में। जी हाँ गाइस, आज हम सीखेंगे कि आप वेक्टर लिप्स जो है किस तरीके से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही अच्छे वेक्टर लिप्स अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को यूज़ करके जिसका नाम है इन्फिनेट डिज़ाइन। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो फ्रेंड्स बाकी जो है वेक्टर आइज और वेक्टर हेयर्स के वीडियो जो है मैंने बनाए हैं पहले ही, दोनों ही वीडियोस का लिंक जो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जो है वेक्टर लिप्स जो है बनाने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो मैंने एक इमेज इम्पोर्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो आपको इस इमेज में जो ये कलर पैलेट जो है लगाना पड़ेगा, तो कलर पैलेट आप देख सकते हैं ये मैंने जो है खुद से ये वाला कलर पैलेट बनाया है। तो इस कलर पैलेट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जो है अपने पिक्चर में पिक्स आर्ट की मदद से जो है ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की ओर। तो पहले स्टेप जो हमें करना है वो होगा शेप डेवलपमेंट। तो हमें सबसे पहले जो लिप्स की शेप को जो है डेवलप करना है, बहुत ही ईजी है बट बहुत ही ज़रूरी जो है स्टेप है। ये सारा जो है आपका ये वेक्टर लिप्स जो आपका बनाना है सब इसी पे जो है बेस्ड होगा पहले स्टेप से मैं, लेकिन मैं आपको जो है बेसिक तरीके बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको टूल्स में जाना है और सबसे पहले आपको जो है पेन ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपसे ब्रश में जाना है, यहाँ से जो है लासो वाला ब्रश जो सिलेक्ट कर लेना। अब शेप जो हम किस तरीके से डेवलप करेंगे, आप जैसा कि आप बीच में देख सकते हैं कुछ इस साइड में आपको यहाँ पे एक जो है लाइन दिख रही होगी थोड़ी डार्क टाइप की। तो आपको क्या करना है, इस डार्क एरिया को जो है कवर करना है ब्लैक कलर से और पेन टूल की मदद से। तो देखिए मैं कुछ किस तरीके से जो करता हूँ इस एरिया को कवर। हमें क्या करना है, यहाँ से जो स्टार्ट करना है लिप्स के इस वाले पार्ट से स्टार्ट करते हुए जो है हमें कुछ इस तरीके से जो है इतने एरिया को जो है कवर करते जाना है। कुछ इस तरीके से जैसे शेप दे देनी है। अगर आपको बाद में भी कुछ ऐसा लगे तो आप जो है इस तरीके से जो इसमें से करेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हमने शेप डेवलपमेंट कर ली है, आगे भी अगर इसमें हम कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं एडिट टूल की मदद से। अब दूसरा स्टेप जो है हमारा क्या होगा, डार्क लेयर को जो है हमें जो है अब हमें जो है डार्क लेयर्स को जो है ड्रॉ करते हुए जो है चलना है। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेयर्स में जाएंगे, यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ये वाले लेयर को जो होल्ड करे रखना है हमें और नीचे ले आना है। अब हमें क्या करना है, हमें कलर पैलेट की ओर बढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फेयर बॉयज़ के जो लिप्स हैं, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपको फेयर बॉयज़ वाले जो है लिप के जो कलर पैलेट वाले सेक्शन में जाना है, कलर में जाना है, यहाँ से पिकर सिलेक्ट करना है और ये वाला कलर जो है सिंपली सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपको फिर से एक बार पेन टूल ले लेना है और आपको जहाँ से आपने ब्लैक स्टार्ट किया था आपको थोड़े ऊपर से जो सिलेक्ट अभी जो स्टार्ट करना है, और अभी जो आपको सेम चीज़ करनी है जो आपने ब्लैक के साथ की बट उसका एरिया जो है बढ़ेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि अंदर की जो हमने एक डार्क लेयर को जो क्रिएट कर लिया, अब यहाँ से हम करते हैं डन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेयर्स में जाना है और एक उसके नीचे जो हमें और एक जो उसी तरीके से लेयर लानी है, और जो है अभी हम कलर पैलेट की ओर जाएंगे और यहाँ से दूसरा वाला नंबर जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब सेम प्रोसीजर के साथ हमें जो है इसे थोड़ा सा और आगे से स्टार्ट करना है और सेम तरीके से जो है इस लिप्स को भी जो है इस लेयर को भी जो है उसी तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब जो हमें तीसरी डार्क लेयर की ओर जो बढ़ना है तो उसके लिए हम जो है लेयर में फिर से जाएंगे एक बार और, प्लस के साइन पे क्लिक करके सबसे नीचे में एक जो है लेयर ले लेते हैं और लेयर पैनल को क्लोज करके यहाँ से तीसरे नंबर वाला जो कलर हमें सिलेक्ट कर लेना है। और अब जो है हम एज सेम प्रोसीजर के साथ जो है थोड़ा सा इसमें और एरिया जो है कवर करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है और सबसे नीचे अब लेयर जो है ले आनी है। अभी जो आपको कलर पैलेट में जाना है और ये वाला जो कलर है जिस पे आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा जिसे न्यूट्रल कलर जो आप कह सकते हैं, अभी आपको जो ये वाला कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब इससे जो आपको पूरा के पूरा एरिया जो लिप्स का वो आपको कवर कर लेना है। तो फ्रेंड्स दूसरा स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा तीसरा स्टेप जो है क्रिएटिंग द लाइट लेयर्स। जो आपकी जो है लाइट लेयर्स है यानी कि जिसमें जो शाइन होती है तो वो जो आपको बनानी है, तो उसके लिए आपको सिंपली जो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ऐसे लेयर पैनल माफ कीजिएगा कलर पैलेट की ओर जाना है और जिस कलर पर आपको जो वाइट डॉट एक दिख रहा है आपको सिंपली जो है इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब जो आपका काम जो बहुत ही आसान हो चुका है, आपको जो लेयर पैनल पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेनी है। यहाँ से इस कलर की ओपेसिटी को जो लगभग आधा से थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब आपको जो नीचे की ओर से थोड़ा सा जो है इस तरीके से आप कलर्स आप देख लीजिए आपको किस तरीके से जो अप्लाई करने हैं। ये जो है आपने अभी एक लेयर बना दी शाइनी लेयर की, आपको इसी तरीके से ऊपर में एक शाइनी लेयर की जो एक लेयर बनानी है कुछ इस तरीके से। और ये ऊपर वाले लेयर में जो है आप दो हिस्सों में इसे जो डिवाइड कर दीजिए, एक हिस्सा जो है लेफ्ट साइड में और एक हिस्सा राइट साइड में, बीच का जो आपको छोड़ना होगा यानी कि आपको यहाँ का हिस्सा जो है आपको यहाँ का हिस्सा जो छोड़ना होगा क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही होता है लिप्स। तो फ्रेंड्स पहली पहली लेयर जो हमने दोनों ही में बना दी है ऊपर भी और नीचे भी, अब बारी है सेकंड लेयर की। तो सेकंड लेयर जो आपको किस तरीके से बनानी है कुछ इस तरीके से। अगर आपके लिप्स में राइट साइड में शाइन है तो आप राइट साइड में बना सकते हैं एक्स्ट्रा लेयर्स, अगर लेफ्ट साइड में तो आप लेफ्ट साइड में से जब बना सकते हैं। इसी तरीके से जो ऊपर में भी हम एक जो है लेयर बनाएंगे लेकिन वो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम जो है नीचे में और एक जो हमें वाइट लेयर देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट करके एक छोटा सा अभी इसकी ओपेसिटी को जो फुल कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा इसके कम रखेंगे हम क्योंकि वो ज़्यादा लग रहा था। तो इस तरीके से हमने जो हल्का सा शाइन दिया इसे जो थोड़ा सा और हमें खींचना चाहिए और सेम तरीके से आपको जो इधर भी थोड़ा सा जो है शाइन देना है। अब आपको ऊपर में भी जो है कुछ इसी तरीके से एक बार ही जो दोनों साइड में जो है शाइन देना है।
और यहाँ से इसे हम करते हैं डन। तो आपके लिप्स हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। इस लेयर को जो है हाइड हम करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके लिप्स जो है कितने अच्छे लग रहे हैं वेक्टर में, इनकी शेप भी जो है काफ़ी अच्छी है। तो आप चाहे तो इसे जो है और अच्छी शेप में बना सकते हैं, टाइम लीजिए, प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गुरजोत क्रिएशंस, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।